इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेटीएम पर जब हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें लिखा आ रहा है वेरिफिकेशन फील्ड, और मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ रहा है वी कुड नॉट फाइंड एनी सिम कार्ड्स इन योर फ़ोन, प्लीज़ इंश्योर योर सिम कार्ड्स इंस्टॉल्ड इट इन द फ़ोन। तो बेसिकली हमारे फ़ोन के अंदर हमारा सिम है बट पेटीएम यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा, तो लाइक ऐसा होता क्यों है? देखिए ऐसा होता है गाइस कि जिससे हम पेटीएम चला रहे हैं उस सिम को तो हम अपने फ़ोन से निकालते नहीं हैं, और दूसरा वाला सिम अपने फ़ोन से हम निकाल कर उसमें दोबारा कोई और सा सिम डाल देते हैं तो वो भी एक्टिवेटेड हो जाता है उसके बाद, ठीक है? तो या फिर अपने सिम को निकाल कर दोबारा बांटते हैं तो उसमें भी इस तरीके का इशू हो जाता है। तो एक्चुअली में ये इशू मेनली रहता है, क्रिएट होता है, तो आप जो है तो या तो आपका ये वाला इशू होगा या फिर आपको फ़ोन में से कोई इशू क्रिएट होया होगा। लेकिन सबसे पहले आप पेटीएम को यहाँ पर जो है अपडेट करके रखिए, कभी इसका भी इशू हो सकता है तो अपडेट करके यहाँ पर रखिए, और हो सके तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल दोबारा करिए, और कुछ सेटिंग्स भी करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में ही जाना है और सिम कार्ड्स में जाना है। देखिए जो भी सिम हो उसको जो है बिल्कुल प्रॉपरली आप यहाँ पर एक्टिवेट करके रख लीजिए, ठीक है? उसके बाद आप दोबारा जब अनइंस्टॉल कर लें तो अपने सिम को निकाल कर दोबारा डालें जो कि यहाँ पर बिल्कुल नए हो, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ से बैक लाइए और कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाइए और एक दफ़ा एरोप्लेन मोड को लगा लीजिए और बंद कर दीजिए, और यहाँ से जो है अपने सिम कार्ड्स की जो सेटिंग्स है उनको रीसेट कर लीजिए, ठीक है? जो से भी सिम से आप चला रहे हो दोनों सिम को यहाँ पर रीसेट कर लीजिए सेटिंग्स को। उसके बाद आपकी जो ये प्रॉब्लम होगी फिर ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? अगर नहीं होती है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लेकिन प्रोसेस को पूरा ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।